नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमल और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक रूगर पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं वीवो के X60 प्रो स्मार्टफोन के बारे में, क्योंकि इसमें हमें जेईस कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। तो अब जो हमारा जेईस कैमरा सेटअप होता है, जो हमारा किस तरह से डिफरेंट है या फिर क्या कुछ हमें इन कैमराज में खास देखने को मिलता है, उन सभी के बारे में आपके साथ आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को शुरू करें। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि हमें वीवो की जो X60 सीरीज है उसमें हमें जो स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं उसमें हमें जेईस कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। तो मैं पहले बता दूं, जो हमारी जेईस कंपनी है, ये हमारी एक जर्मन बेस्ड कंपनी है जो कि ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर काम करती है, यानी कि जो हमें लेंस कैमरा देखने को मिलते हैं उनके ऊपर काम करती है। और इसी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके वीवो ने X60 सीरीज में इन कंपनीज के जो स्मार्टफोन कैमरास होते हैं उनको इंट्रोड्यूस किया है। तो अगर मैं बात करूं वीवो X60 प्रो की, तो उसमें हमें बैक साइड क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। जो हमारा प्राइमरी कैमरा वो 50 मेगापिक्सल का, उसके अलावा 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो और 32 मेगापिक्सल का हमें एक पोर्ट्रेट लेंस देखने को मिलेगा। जो हमें अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को मिलता है उसमें हमें जेईस कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अब जो जेईस कैमरा सेटअप है इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हमें इन कैमराज में टी कोटिंग देखने को मिल जाती है, उसके अलावा हमें इनमें स्पेशल बोके स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है और हमें नैनो क्रिस्टलाइन की जो लेयर होती है वो भी देखने को मिलती है। तो ये तीन खास चीज़ें हमें जेईस कैमरा में देखने को मिल जाती हैं। अब अगर बात करूँ टी कोटिंग की, दोस्तों से होगा क्या कि जो हमारी लाइट का ट्रांसमिशन हो रहा है बाहर से कैमरा के अंदर, उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाती है। जो कभी कभी हम फोटोज़ लेते वक्त जो रिफ्लेक्शंस आ जाते हैं वो हमारे काफ़ी कम हो जाएंगे और जो हमारी ओवरऑल इमेज क्वालिटी है वो हमारी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा आप जो फोटोज़ हैं वो इस समय डिस्प्ले पे देख ही रहे होंगे। उसके अलावा अगर बात करूँ मैं बोके स्टेबलाइजेशन की, तो उससे होगा क्या कि जो हम पोर्ट्रेट मोड में कभी कभी फोटोज़ लेते हैं वो भी हमारे इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। और तीसरा, हमें नैनो क्रिस्टलाइन लेयर देखने को मिलती है। और दोस्तों, उसके अलावा हमें इन कैमराज में गिम्बल स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। अब जो ये गिम्बल स्टेबलाइजेशन है, ये क्या होती है कि अगर हम कभी भी नाइट में फोटोग्राफी करते हैं तो उस समय ये हमारी काफ़ी हेल्प करती है, यानी कि नाइट में जो हमारी फोटोग्राफी होती है वो हमारी काफ़ी अच्छी आएगी अगर हमारे स्मार्टफोन में गिम्बल स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन होगा। अब गिम्बल स्टेबलाइजेशन में होगा क्या कि जो हमारे कैमरा के पीछे लेंस होता है वो अपने आप एडजस्ट करके जहाँ पे हमें अच्छी पिक्चर आ रही हो वहाँ से ये पिक्चर क्लिक करता है। और उसके अलावा जो हमें वीडियो रिकॉर्डिंग है नाइट में अगर हम करना चाहें तो गिम्बल स्टेबलाइजेशन की वजह से वो भी हमारी काफ़ी अच्छी आएगी। मेरा बताने का मतलब ये है कि जो हमारी ओवरऑल नाइट में फोटोग्राफी होती है वो हमारी गिम्बल स्टेबलाइजेशन की वजह से काफ़ी अच्छी हो जाती है। दोस्तों, यही था इस वीडियो में जो मैं आपको बताना चाहता था जेईस कैमरा सेटअप के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि जेईस कैमरा सेटअप एक्चुअल में होता क्या है, तो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। तो बस दोस्तों, यही था इस वीडियो में जो मैं आपको बताना चाहता था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए इसको प्लीज लाइक शेयर कर दीजिए, उसके अलावा मेरे चैनल टेक रूगर को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिलहाल के इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।